अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी तो ब्राइडल केयर के ऊपर। जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं और कुछ दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, महीना रह गया है, ये रिजल्ट आप लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह देगी। इससे आप लोग स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, थोड़ी सी बेस लगेगी और आप लोग की स्किन बहुत अच्छी लगेगी। शादी के बाद जी एक तो आपके बाल अच्छे लग रहे होने चाहिए और एक आपकी स्किन अच्छी लग रही होनी चाहिए। थोड़ी बेस लगी होनी चाहिए और ग्लोई स्किन होनी चाहिए आपकी। आप जी कमाल लगते हैं, सबसे डिफरेंट लगते हैं और अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होती है नई नवेली दुल्हन से। अच्छा, शादी से पहले क्या होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जब शादी सर पर पड़ती है ना, फिर सब आपसे पूछ रहे थे, हाँ जी बेटा अब आप बताए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो फिर आगे से बेटा कहता है हम कुछ महसूस ही नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि फीलिंग लेस हो गई थी, ना खुशी हो रही थी, ना गम हो रहा था, ना दुख हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। बस इस तरह था कि जो हो रहा है होता रहे, होता रहे, होता रहे। अब आप लोग बताए जी कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब पता है ना। अच्छा, शादी से पहले मैंने क्या किया था, एक अपनी बास्केट तैयार कर ली थी ताकि डंडी मैं ना मार सकूं अपनी स्किन केयर के अंदर, क्योंकि मेरे महीना रह गया था। तो तब मैंने बास्केट अपनी इस तरह की तैयार कर ली थी। इसके अंदर मैंने अपने मास्क बना के रख लिए थे पाउडर फॉर्म में, ठीक है। एक मैंने ऑयल रख लिया था फेस मसाज के लिए, बाउल रख लिया था, स्पून रख ली थी, ब्रश रख लिया था और एक प्लास्टिक का ग्लास रख लिया था। आप लोग दिखाने के लिए शीशे का यहाँ पे रखा हुआ भी मैंने, ठीक है। इस तरह मैंने अपनी बकेट तैयार कर ली थी। इसके पास फूल चूल रख दे ताकि आप लोग को अट्रैक्ट करें मकनातीसी कुवत और आप लोग मास्क लगाने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि लड़कियों क्यूट क्यूट चीजें पसंद है ना, आप लोग टोकरी पे ओ भी लिख सकते हैं ताकि ओ के साथ अट्रैक्ट हो जाए आप। अच्छा चले जी, अब ये मास्क है दो और फेस मसाज है। एक दिन एक मास्क लगाना है, दूसरे दिन दूसरा मास्क लगाना है और फेस मसाज दोनों मास्क के साथ करनी है। फिर देना है एक दिन का गैप, फिर अगेन एक मास्क फेस मसाज, फिर दूसरे दिन दूसरा मास्क और फिर फेस मसाज, फिर एक दिन का गैप देना है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप लोग चाहते हैं, जरूरत है आप लोग को, इस्तेमाल करते रहे शादी तक। शादी के बाद भी कर सकते हैं लेकिन शादी तक तो आप लोगों ने लाजमी करना है। चले जी, अब देखते हैं फेस मास्क बनते किस तरह है। हम इनको इस बॉटल्स में जिस तरह मैंने फिल किया, मैं करती हूँ इसको, मैंने थोड़े फिल किया था क्योंकि मेरा कड़ा ब्याह है, थोड़ा तो ब्याह है तुम बहुत कर ले, ठीक है। चले जी फेस मास्क कर सकते हैं। हाँ जी, ये है जी मास्क नंबर 1 की चीजें। ये 3 चीजें हैं जिनको हम मिला के मास्क तैयार करेंगे जो कि कमाल रिजल्ट आएगा आप लोगों का, कमाल। अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए बादाम का पाउडर। मैंने घर बादाम लेके आई और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया। ये देखें जी पाउडर रेडी है। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेंच ग्रीन क्ले, जिसको सब्ज मिट्टी भी कहते हैं। ये मैं चिल्तन प्योर वाला की यूज कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग ये लेना चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। चिल्तन प्योर वालों का ही बादाम का पाउडर है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैंने घर बादाम ला के खुद पीस लिए। तीसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ये पानी, साफ सुथरा पानी, उबाल ले पानी या नेस्ले वगैरह का यूज कर ले, या कोई भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना साफ सुथरा पानी यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जिन्होंने पंसार की दुकान से ये लेनी है ना, मैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर दूं ताकि कोई भी पीछे ना रहे, हम सब मास्क ट्राई करें और सही रिजल्ट आए। हाँ जी, जब आप लोग पंसार की दुकान पर जाएंगे ना तो आप लोगों को ये दे देंगे, क्योंकि जब मैंने नाजिया की स्किन केयर शुरू करवाई थी और आप पूछ रहे थे नाजिया इतनी खिल कैसे रही है, फ्रेश कैसे है, वो यही दोनों ना मास्क लगा रही है, रेगुलर लगा रही है, एक दिन छोड़, एक दिन का भी गैप नहीं उठाती उसको इतनी जल्दी है। अच्छा, ये सब्ज मिट्टी नहीं है, ये सब्ज मिट्टी है, हमने ये वाला पत्थर लेना है, ये रंग है सब्ज मिट्टी का, ये देखें, ठीक है, ये सब्ज मिट्टी नहीं है। ये आप लोग को पंसार की दुकान से भी इजीली मिल जाएगी, पत्थर भी मिल जाएगा, पिसवाना है आप उनसे पिसवा लीजिएगा, फिर घर आके मोटी छानी से छान लीजिएगा। अगर ये लेनी है तो ये भी ले सकते हैं, आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग का दिल मानता है, बस मास्क उसी अप्लाई करना वा लाना वहां। चले जी हम मास्क बनाते हैं। चले जी मास्क बनाते हैं। जितनी हमने क्वांटिटी इसकी लेनी है उतनी ही सेम हमने इसकी लेनी है। ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अच्छा, 1 टेबलस्पून हम लोगों ने लिया फ्रेंच क्ले, 1 लिया हमने बादाम का पाउडर, अगेन 1 हमने ये लिया, ठीक है जी, अगेन हमने लिया बादाम का पाउडर, अगेन हमने ये फ्रेंच क्रीम क्ले ली और अगेन हमने लिया ये बादाम का पाउडर। इससे हमारा मास्क बन जाएगा तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से हमारा मास्क इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और मैंने इसके अंदर
डाल के रख देना। चलें इसको मिक्स करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और स्टोर कर लेना क्योंकि बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी इस तरह करके इसके अंदर शामिल कर दिया। ये तकरीबन हमारे महीने का बन गया। अब हमने इसके अंदर एक चम्मच उठानी है और पानी में मिक्स करके लगा लिया करने। पहला मास तैयार, अब चलते हैं दूसरे मास की तरफ। हाँ जी, ये है जी मास नंबर 2 जो कि बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग को 3 दफ़ा करने से इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मैंने शादी से पहले बहुत ज़्यादा किए। डेली ट्रेडमिल करती थी, ट्रेडमिल से पहले इसको लगा के ट्रेडमिल करती थी 30 मिनट्स। अच्छा, इसके लिए क्या है चीज़ें हैं जी, चावल का आटा चाहिए, हमें बाजार का चाहिए क्योंकि घर में इतना बारीक पीसा नहीं जाता ना, तो इसलिए थोड़े से हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने बाजार का चावल का आटा लिया। और हमें चाहिए मैदा और हमें चाहिए दूध ठंडा। अब इसको बनाना किस तरह है, अगर 1 चम्मच मैदा है तो 1 चम्मच चावल का आटा, अगर 3 चम्मच मैदा है तो 3 चम्मच चावल का आटा, इक्वल इक्वल क्वांटिटी रखनी है। मैं दोनों की 3-3 चम्मच इस बाउल के अंदर डालती हूँ। हाँ जी, 3 चम्मच मैदा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब बारी है 3 चम्मच चावल का आटा शामिल करने की इसमें। अब हमने दोनों को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इस जार के अंदर शिफ्ट करते हैं। हाँ जी, ये देखें जी मास नंबर 2 भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसके अंदर जब चाहेंगे 1 चम्मच निकालेंगे, दूध डालेंगे और हमारा मास रेडी होगा। जार्स में मैंने इसलिए डाला है, शादी से पहले मैंने जार्स में इसलिए डाल लिया था ताकि मुझे मुश्किल ना हो कुछ करने में, मेरा मास लगाने का मूड हो ना, तो ये ना हो कि हाँ अब मैं बनाऊंगी करूंगी, ऑलरेडी जार्स में सूखा चीज़ बनी होगी, बस उसके अंदर पानी या दूध ऐड करेंगे और फटाफट मास लग जाता होता है। ये देखें जी, दोनों मास्क हमारे रेडी हो गए हैं। एक मास्क को हम पानी के साथ लगाएंगे, एक मास्क को हम दूध के साथ लगाएंगे। अगर दूध सूट नहीं करता तो आप लोग इसको भी पानी के साथ लगा सकते हैं। सूखा माल हमारा तैयार है। जब भी मास्क लगाने का मूड होगा, हल्का सा टाइम मिलेगा, तो हम फौरन ही मास्क चम्मच लेंगे और उसके अंदर फटाफट मिक्स करके लगा लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हाँ जी, चले जी, अब मास्क लगाने का टाइम आ गया है। हम लगाएंगे आधे मुंह पे एक मास्क और आधे मुंह पे दूसरा मास्क, क्योंकि तुझे स्किप भी करनी है वीडियो, मैं क्या छोटी बन जाएगी। अच्छा, सबसे पहले पहला मास्क लगाएंगे, पहला चम्मच लेंगे एक अपने मुंह के हिसाब से, बड़ा है तो भर के ले ले जिस तरह मैंने लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मिक्स है। सिर्फ हमने मास्क निकालना है बॉटल से, पानी के अंदर मिक्स करना है। ये देखिए, पानी में थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करना। अच्छा सा मज़ेदार सा मास्क बनाना है, इसको हम मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखे, और ये हमारा आई कॉन्टेक्ट हुआ और अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैंने आधे मुंह पर अप्लाई कर लेना है। अच्छा जी, जब सर्दियों में मास्क कोई भी अप्लाई करते हैं ना, तो आप लोगों ने उस मास्क को प्रॉपर ड्राई नहीं होने देना। मतलब जैसे ही आपको लगे कि ड्राई होना शुरू हो गया, फ़ौरन ही आपने मुंह धो लेना। गर्मियों में हम फुल ड्राई करते हैं ताकि ऑयल ना आए, पसीना ना आए। सर्दियों में हम 50% जब मास्क ड्राई हो जाता है उसके बाद हम फ़ौरन मुंह धो लेते हैं। अच्छा, ये हमने वही अपना ब्रश उठाया, जितने साल का YouTube है उतने साल का ही मेरा ये ब्रश है। अच्छा जी, अब देखें जी, मैं मास्क लगाऊंगी। ये जो छोटा सा आपको पिंपल नज़र आ रहा है ना, ये पहले पिंपल था, निशान अच्छा भला जो आने लगा था, तो ईमान ने नाखून मार दिया और अब ये निशान पक्का हो गया, अब जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, क्योंकि टाइम लगता है, फ़ौरन कुछ भी नहीं होता, फ़ौरन कुछ भी नहीं हो सकता। ऐ केड़ा जादू दी छड़ी आ, मुँह तो लाओ तो चमक जाओ, करना मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो मेरी दोस्त है, उनको पता होगा कि अब जब मिलते हैं तो बहुत ग्लोई स्किन है, अच्छी स्किन है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखें जी, अब ये हम लोगों ने लगा दिया आधे मुंह पे, ये अच्छी तरह लगा दूंगी, 50-50 कर देते हैं, ठीक है। इससे ब्लैक हेड्स भी काफ़ी हद तक जाते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़े से स्क्रब पार्टिकल्स बन जाते हैं ना, तो जब हल्के हल्के हाथों के साथ हम स्क्रब करेंगे और इसको उतारेंगे तो ब्लैक हेड्स भी गायब होते हैं इससे। ये देखें जी, हमने आधे मुंह पे मास्क लगा दिया, अब हम आधे मुंह पे लगाएंगे चावल का आटा। हमने एक दिन ये मास्क लगाना है, दूसरे दिन दूसरा मास्क लगाना है, और दोनों मास्क के साथ हम लोगों ने मसाज करनी है मास्क उतारने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक दिन का गैप डालना है, फिर दोबारा ये रूटीन शुरू कर लेनी है। लेकिन मैं जो चावल का आटा था शादी के वक्त हर वक्त लगाती रहती थी, पता नहीं क्यों इतनी ऑब्सेशन हो गई थी उस आटे के साथ, हर वक्त मुँह पर मेरे होता था। अच्छा जी, अब ये हम मास्क दूसरे बारी है, पता नहीं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, दूसरे मास्क उठाया, उसकी एक चम्मच ली, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ मिक्स हुई हुई है, इसलिए मैंने जार्स में डाल के रखा, बहुत आसानी रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे, दूध सूट नहीं करता तो आप लोग पानी डाल लें, पानी सूट नहीं करता तो रोज़ वाटर डाल लें, रोज़ वाटर भी सूट नहीं करता तो तुसी मुँह धो लो खाली ठंडे पानी ना,
ये हम लोगों ने एक एक चम्मच डाल के हम इसको मिक्स करेंगे ताकि बहुत बारीक ना बन जाए, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और अप्लाई करेंगे। तुसी अदा अदा नहीं करना है, तो सिर्फ मैं वीडियो बनाने कीता है, तुसी पूरा पूरा लाना है। ये ना एक साइड ग्लोई हो जाए, एक साइड चिट्टी हो जाए इसलिए एक मास्क को हमने पूरे मुंह पे लगाना है। चावल के आटे से आपकी ब्राइटनेस आएगी और जो दूसरे मास्क से आपकी ग्लो आएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगी। ठीक है, ये जी अब हम दूसरे मुंह पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह लगा लेनी है, इसकी मोटी पेस्ट लगानी है। ठीक है, दूसरे वाले की जिस तरह मर्जी लगा ले। ये थोड़ा सा मेरे से पतला हो गया था और ये देखिए जी नीचे गिर गया था, और कोई बात नहीं जी। ये देखिए इस तरह हमने ना इसकी थोड़ी सी मोटी पेस्ट रख के अच्छी तरह इसकी पेस्ट अप्लाई कर लेनी है। ये देखिए जी मास्क हमने अप्लाई कर दिया है, अब हम वेट करेंगे जब तक क्या कहते हैं ये ड्राई नहीं हो जाता। 50% से ड्राई करेंगे, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसको। ये देखें जी नकाम कोशिश ट्राई करने की, क्योंकि सर्दी आ गई है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मज़े मज़े का लग रहा था। अभी मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भूल गई क्योंकि मैं अम्मी के घर आके वीडियो एडिट कर रही थी। चले जी, अब जो अगली क्लिप आएगी उसके अंदर 50% मास्क ड्राई हो गया है, वो भी मैं आप लोग को शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें जी 50% मास्क ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम लोगों ने मुँह धो लेने, इससे ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना है। उसके बाद बारी आती है फेस मसाज की। अच्छा जी, अब मैं मुंह धो के वापस आती हूँ। ये ठंडे पानी से मैंने मुंह धोया, ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद थोड़ी सी बदरू बदरू जैसी लोकारी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे या तो आप ऑरेंज वो यूज़ कर सकते हैं, विंटर सीरम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, इसको अलग अलग होता है पानी और ऑयल, इसको शेक करते हैं, उसको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लगाते हैं। या तो मैं रिकमेंड इस दफ़ा करूँगी जोजब ऑयल, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और चिल्टन प्योर वालों का बहुत अच्छा है। मेरी बहन ने भी यूज़ कर लिया, ऑयली स्किन वालों ने भी यूज़ कर लिया, सेंसिटिव ने भी यूज़ कर लिया, ड्राई ने भी यूज़ कर लिया, कम्बिनेशन ने भी यूज़ कर लिया, सबको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। जिन्होंने विंटर सीरम नहीं बनाया, ठीक है, वो जोजब ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। जिन्होंने विंटर सीरम बना लिए, एक दिन विंटर से कर लें और एक दिन जोजब ऑयल से कर लें, जैसे दिल करते कर लें। ठीक है, ये मैंने 4 से 5 ड्रॉप्स लिए, लेकिन इस ऑयल का ध्यान ये रखना है कि ये आँखों में ना जाए, आँखें बहुत हैवी कर देता है, स्किन बहुत ग्लो कर देता है, इसीलिए स्किन पे तो हमने लगाने ही लगाना है। ठीक है, आप लोग को कहीं से मिल जाएगा, पंसार की दुकान से भी जोजब ऑयल मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अगर चिल्टन प्योर वालों का लेना है आप लोग वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें जी हम लोगों ने 2 अंगूठे बनाए हैं और प्रेशर पॉइंट्स देने हैं फुल टाइट। ये देखें, ये हमने टाइटली प्रेशर पॉइंट्स देने हैं, जिस तरह मैं मसाज कर रही हूँ, हर मास्क के बाद मसाज करनी है। ठीक है, ये देखें जी हमने क्रॉस किया, हमने अच्छी तरह अपनी चिन और जॉलाइन को हमने इस तरह प्रेस कर करके अपनी फिंगर्स के साथ ज़ोर से प्रेशर पॉइंट्स को दबा के स्किन ऊपर की तरफ लेके जानी है, ताकि स्किन लटके ना और ऊपर की तरफ टाइट हो जाए। ये देखें जी आईब्रोज के इर्द-गिर्द भी इसी तरह ही, और फोरहेड पे सर्कुलर मोशन में और टाइटली इस तरह, या जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह आप लोग कीजिएगा। लेकिन आँखें फिर बचा के, आँखों के पास भी ज़्यादातर ऑयल ना जाए, वरना आंखें बहुत भारी हो जाए। ये देखें, ये लाइन क्रिएट हुई है ना, एक दफ़े करने से फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, कि मैं तो बहुत हमेशा करती आ रही हूँ इसलिए मेरा पड़ जाता है। आप लोग करते रहेंगे तो आप लोग अभी ये देखें, ये सारी लाइन क्रिएट हो गई। खींच के ऊपर की तरह प्रेशर पॉइंट्स, एक वाशर स्टोन होता है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, जो जिनके पास वो है वो यूज़ कर ले, वरना हाथ तो है ही, हाथ तो से भी काम चल जाएगा। ये नोज़ की आँखों के नीचे, ये देखें इस तरह करके रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से ज़रा स्किन खींच के ऊपर की तरफ लेके जानी है। ये प्रेशर पॉइंट से सर दर्द हो रहा होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चिन की बारी है, चिन को एक बार नीचे की तरफ यूं करेंगे सारी, और ऊपर की तरफ सिर स्ट्रेच करेंगे ना, ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ मुँह स्ट्रेच करेंगे। और डबल चिन वाली एक्सरसाइज जो नहीं कर रहा, जिसकी डबल चिन है वो देख ले, मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोगों को 7 से 8 दिन में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, जब आप लोगों के चिन में दर्द शुरू होगी। ठीक है, ये देखें जी हमारी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट।
हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आप लोगों की बेस बहुत अच्छी लगने वाली है। ट्रस्ट मी, 5 दिन करें और मुझे फीडबैक साथ साथ बताते रहिएगा कि हमने 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और ताकि मैं भी पढ़ती रहूंगी आप लोगों को इसका कैसा रिजल्ट मिले। और जी परेशान बिल्कुल नहीं होना, शादी मतलब कुछ लड़कियां परेशान हो जाती हैं, शादी हो रही है, अगले घर जा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, ये जी जिंदगी है, चलती रहती है, इसी तरह ही होता है। आज हम चले जाएंगे, कल हमारी औलाद चली जाएगी, फिर उनकी औलाद की औलाद चली जाएगी, जिंदगी इज गोइंग ऑन। इसलिए जो हो रहा है एंजॉय कर लो, जो होने वाला है उसको सोच के मतलब जो आज का ना अपना खराब करो, एंजॉय करो जी, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। ओके जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।